वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए मैंने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसे अभी तक हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वो छोटा ट्रांसफार्मर देखा था जो कि 240 वोल्ट को क्या करता था, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में ये कन्वर्ट करता था। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे 11 केवी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का रहेगा, वो क्या करेगा आपकी आवश्यकता अनुसार 120 वोल्ट हो गया या 240 वोल्ट पर क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा वो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसा कि आपने देखा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए दो इनपुट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 11 केवी का एक ही फेज यूज किया जाएगा एनर्जाइज करने के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 11 केवी वाले में, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके आउटपुट में दो टर्मिनल रहेंगे, ओके। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसका इंट्रोडक्शन है कि ये हमारे जो भी हाई उच्च वोल्टेज रहता है उसे क्या करेगा, स्टेप डाउन कर सकता है या स्टेप अप कर सकता है। जिस आवश्यकता अनुसार आप ट्रांसफार्मर को बनाएंगे वैसे वो अप डाउन करेगा। अगर मान लीजिए हमारा 11 केवी वाला ट्रांसफार्मर आपने स्टेप अप बनाया है, तो 11 केवी वाला ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगा 11 केवी का आउटपुट देगा क्या 33 या आपके आवश्यकता अनुसार जितना रहेगा 33 से भी आगे इस प्रकार से रहेगा। लेकिन आपने अगर स्टेप डाउन बनाया है तो 11 केवी इनपुट में आएगा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं 11 केवी इनपुट में आएगा, वो भी एक सिंगल फेज, और क्या करेगा उसके आउटपुट में आपके आवश्यकता अनुसार स्टेप डाउन कर देगा। जैसे आप चाहेंगे 220 वोल्ट 120 वोल्ट ऐसे वो डाउन कर देगा, ओके। इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ओके। और इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसके कंस्ट्रक्शन में हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कोर के ऊपर लेमिनेटेड कोर रहता है, उसके ऊपर टर्न करके लपेटी जाती है, और हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी क्या होती है प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर टर्न करके लपेटी जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके टर्नों की संख्या आपके जो वोल्टेज रेशियो रहेगा ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहेगा उस पर डिपेंड करती है, ओके। इसका वर्किंग ऐसा है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम 11 केवी का एक फेज क्या करते हैं इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के, प्राइमरी कॉइल जो रहेगा उसमें क्या रहेंगे दो टर्मिनल रहेंगे। एक टर्मिनल में 11 केवी का हम क्या करते हैं फेज कनेक्ट कराते हैं, और दूसरे टर्मिनल को हम क्या करते हैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये हमारा कनेक्ट है ग्राउंड से यहाँ पर दूसरा टर्मिनल, ओके। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर जो ग्राउंड करते हैं वहाँ से ये न्यूट्रल प्रोवाइड कर लेता है अपने प्राइमरी कॉइल के लिए, और क्या करता है ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, और इसके ऊपर रहता है सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल क्या करता है एनर्जाइज होने के बाद सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ आता है, और ईएमएफ हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसका सर्किट कंप्लीट होता है, तो उसमें ईएमएफ कारण करंट भी आ जाता है। और जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है वो भी क्या होता है उसका भी एक टर्मिनल ग्राउंड रहता है। हम दोनों टर्मिनल को ग्राउंड नहीं कर सकते कि प्राइमरी वाला जो ग्राउंड है उसको और सेकेंडरी वाला जो ग्राउंड है उसको, दोनों कामन नहीं कर सकते। कामन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम मान लीजिए ग्राउंड जो अर्थ से मैंने कनेक्ट किया है उस अर्थ का रेजिस्टेंस अचानक से अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए किसी कारणवश अब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या होगा कि हमारा जो प्राइमरी कॉइल है उसकी जो 11 केवी है वो क्या होगी यहाँ से ट्रांसफ़र होने लगेगी सेकेंडरी कॉइल में। और कभी कभी ऐसा होगा ना कि अगर सेकेंडरी कॉइल में 11 केवी आने लगेगा तो ये डायरेक्ट हमारा क्या होगा जहाँ भी हम आउटपुट दे रहे होंगे, जिस भी मतलब घरों वरों में जिसकी सप्लाई जा रही होगी उस ट्रांसफार्मर से, तो वहाँ पर क्या होगा 11 केवी की सप्लाई आने लगेगी और आपका जो भी इक्विपमेंट या लोड रहेगा वो क्या होगा जल सकता है। इसीलिए क्या करते हैं हम अलग अलग ग्राउंड करते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है प्राइमरी कॉइल को अलग ग्राउंड किया गया और सेकेंडरी कॉइल को अलग ग्राउंड किया गया। अगर क्या होगा प्राइमरी कॉइल जो अर्थ से कनेक्ट है उसका अगर रेजिस्टेंस बढ़ भी जाता है ना, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि वो सप्लाई कट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा सेकेंडरी वाली बाइंडिंग में 11 केवी की सप्लाई नहीं जाएगी, ये फॉल्ट होने से बच सकता है।